नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। कोरोना वायरस का कहर इन दिनों देश पर बरस रहा है। यूं कहें तो कोरोना से हर कोई प्रभावित है और अब लोगों के सामने अनाज का भी संकट पैदा हो गया है। ऐसे में यूपी के मऊ जनपद में पूर्व विधायक उमेश चंद पांडे मधुबन के देवारा से लेकर तमाम जगहों पर खुद जाकर लोगों में राशन वितरण कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों के बीच राशन वितरण कर रहे हैं पूर्व विधायक उमेश चंद पांडे। आपको बता दें, उमेश चंद पांडे इतना ही नहीं, गांव में मौजूद पशुओं को भी चारा खिला रहे हैं। इसकी भी एक तस्वीर बानगी आप देख रहे होंगे। इस दौरान उमेश चंद पांडे ने कहा कि जनता की सेवा ही मेरा प्रथम लक्ष्य है, इसलिए कोरोना की इस महामारी में लोगों को भूख से कोई दिक्कत ना हो, लोगों का पेट भरा रहे, इसके लिए मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा। आपको बता दें, उमेश चंद पांडे लगातार लॉकडाउन से ही क्षेत्र की जनता को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण कई लोगों का पेट भी भर रहा है। आप देख रहे हैं मऊ, ब्यूरो की रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पे और उनके आदेश पे उन्होंने संदेश दिया था पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के और देश के कार्यकर्ताओं को कि कोई भी इस प्रदेश में, खास करके उत्तर प्रदेश में, कोई भूखा ना रहने पावे। अपने कार्यकर्ताओं का उन्होंने आह्वान किया। उसी तारतम्य में आज मैं रामपुर बिलौली और भोजी कमल सागर काठतराव रामपुर, इन गांवों में सैकड़ों लोगों को राशन के साथ साथ पशुओं को चारे का भी व्यवस्था मेरे द्वारा किया गया। और मेरा संकल्प है कि जब तक हिंदुस्तान के से कोरोना को हम लोग भगा नहीं लेंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और हमारा यही जनता से अपील है और निवेदन है कि अपने घरों में रहे। अगर कोई आपको तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो हमने मोबाइल नंबर, हेल्पलाइन का नंबर अपना दे रखा है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और उस पर आप जब संपर्क करेंगे तो आपका पूर्व विधायक आपके घर पहुंचने का काम करेगा, आपके झोपड़ी में पहुंचने का काम करेगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।